everyone, welcome and welcome back to my channel and in another video. I hope you all are doing well. I am also good. So this video is about कि मैंने अपने भाई की शादी में क्या क्या outfits पहने थे और इससे आपको एक छोटा idea भी मिल सकता है कि what you should wear on your brother's wedding or anyone's wedding, okay? Who are close to you? Wait a minute. So yeah, start it again. So firstly, सबसे पहले शादी में हुई थी हल्दी. सो मैं आपको हल्दी की ड्रेस दिखाती हूँ जो मैंने, अगर आप लोगों ने पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता चलेगा होगा. अगर आप लोग यहाँ पे नए हो तो जाके पुराने व्लॉग्स देख लेना, बट अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो आई एम गोना शो यू द आउटफिट आई वोर इन दैट वेडिंग. सो मैंने इस बार सोचा था कि मैं साड़ी पहनती क्योंकि मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ. सो दिस इज द साड़ी, से इट प्रॉपरली. और इसके बाद मैं यहाँ पर एक वीडियो भी चला दूंगी जो मैंने पहना हुआ था उसका. सो ये रही साड़ी, काफी ज्यादा मिनिमल और काफी ज्यादा प्रिटी है. एज यू कैन सी इसका कपड़ा, सो तो मैंने ये पहनी नहीं मतलब, लेकिन हाँ. एंड दिस इज द ब्लाउज. ओके, ब्लाउज मतलब उतना ज्यादा स्टाइलिश नहीं बनाया था, बहुत ज्यादा सिंपल बनाया था. सो ये रहा इसका ब्लाउज और ये रहा इसका बैग. बैग भी नॉट मोर, ज्यादा इसमें मतलब वर्क नहीं करा हुआ है, सिंपल सा है. सो ये साड़ी मुझे पड़ी थी विद ब्लाउज 500 समथिंग या 500 तक, आई थिंक 500 की पड़ी थी. और इसका फिर जो पीको फॉल था वो मैंने अलग टेलर के वहाँ कराया था और जो इसकी ब्लाउज की सिलाई थी वो मैंने अलग के वहाँ कराई थी. सो आई थिंक ब्लाउज 200 समथिंग का हुआ और हाँ साड़ी का जो फॉल वगैरह होता है वो शायद 100 रुपया या पता नहीं ऐसा कुछ लिया होगा उन्होंने, मुझे ध्यान ढंग से याद नहीं है. बिकॉज शादी के टाइम पे इतना किसी को याद नहीं होता है क्योंकि सबका अपना अपना चला रहता है. सो हाँ आप लोग लगा सकते हो मतलब 750 से 800 के बीच में मुझे ये साड़ी पूरी पड़ गई थी. सो इट्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आउटफिट की ओर. सो इट्स मेहंदी आउटफिट और संगीत आउटफिट, ठीक है. तो उन्होंने वहाँ बोला था कि मेहंदी मतलब मैं मेहंदी के लिए ग्रीन कलर की सूट ले गई थी बट अब मैंने पहनी नहीं तो मैं दिखाऊंगी क्यों, और वो इतनी ज़्यादा मतलब वो भी नहीं है, स्टाइलिश टाइप की भी नहीं है. तो मैं सोच रही हूँ कि ये दिखा लूँ, ये भी मतलब मिनिमल है. हाँ वीडियो बना रही हूँ. सो संगीत के दिन मैंने पहना था ये ब्लू कलर का वेलवेट सूट जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने कहाँ से लिया और कहाँ बनवाया. सो मैंने ये फैब्रिक लिया था और ये मैंने, अगर आप लोग बेरनाग वाले हो तो न्यू फैशन पॉइंट के वहाँ बनवाया था. मैं ज़्यादातर अपनी सारी सूट है वहीं बनाती हूँ. सो ये दिस इज़ द सूट, देख सकते हो. इसमें तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है पता नहीं क्यों, ज़्यादा मतलब कलर इसका बहुत ज़्यादा डार्क है, लाइक इतना डार्क है ये. सो ब्लू कलर फेस को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है और नाइट टाइम पे, तो मैंने ये सोच के ये थीम चूज़ करी थी. और इसका गला बहुत ज़्यादा डीप है, लाइक बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग टू पहाड़ी वेडिंग्स. तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट मैंने मतलब इतना ही डीप बोला था, लेकिन वो जब मैंने पहना तो उसके बाद मुझे ज़्यादा डीप लग रहा था, लेकिन कोई नहीं चलता है इतना तो. सो और इसके बाजू हैं एकदम वो टाइप के, इसको क्या बोलते हैं, पफर वाले टाइप के. तो ये इसका यहाँ पर कफ टाइप का बना है और यहाँ पर भी. सो ये रहा इसका. और मैंने इसमें 2 लटकन्स भी लगाई थी जिनका चार्ज मुझे अलग से करना पड़ा, ठीक है. सो ये रहा इसका पजामा जिसमें नीचे से वो है, इसको कुछ पैजामा बोलते हैं यार, जो भी बोलते हैं, मेरे को आ जाएगा तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी. और ये रहा इसका दुपट्टा जो मैंने अलग से ऑनलाइन मंगाया था, बिकॉज यहाँ क्योंकि ये सूट मुझे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई थी, तो मैं सोच रही थी अगर मैं 2 मीटर का दुपट्टा भी मंगा लगाऊंगी फिर उसमें डिजाइनिंग करवाऊंगी, ये करवाऊंगी, वो करवाऊंगी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी. सो दिस इज द दुपट्टा. ये मैंने मीशो से मंगाया था और ये 335 या 350 के अराउंड मुझे मिल गया था. तो ये रहा दुपट्टा, ठीक है. तो अब आई इसकी रेटिंग की बारी. सो ये था 160 रुपये पर मीटर के अकॉर्डिंग, मैंने 5.5 मीटर लिया था और इसकी सिलाई थी 500 रुपीज़ सूट और पैजामे की, और दुपट्टा मेरा अलग से था. तो मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहा. आई थिंक कितना, 160 के हिसाब से 5.5 मीटर लिया था मैंने, आई थिंक उन्होंने 150 लगाया था. तो और फिर दुपट्टा 350 का अलग से, और इसका लटकन की फिर लटकन सहित आई थिंक उन्होंने 500 रुपये बोला था इसका.
हिसाब से लग रहा था उस हिसाब से वर्थ इट था. सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लोथ की ओर. नेक्स्ट वन इज माई लहंगा. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ लहंगे का ब्लाउज, बिकॉज इट हैज़ अ हिस्ट्री. ओके, आपको सामने से देख के बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रहा होगा, है ना? इट्स लुकिंग सो डिसेंट, बट फ्रॉम द बैक इट्स नॉट फॉर विलेज टाइप ऑफ वेडिंग. ओके, तो मतलब मैंने टेलर से बोला था कि इस टाइप का कुछ बनाना, बट मैं तो बोल रही थी कि जो इन्होंने इधर साइड से लगाए इनको भी हटा देना, बट वो तो अच्छा हुआ उन्होंने इतना बना दिया. बट ये जो थे ये स्लीव्स, ये मुझे इतने ज़्यादा चुभ रहे थे शादी में. तो अगर आप लोग ऐसे टाइप का कुछ बनाओगे तो मेक श्योर यू आर कम्फर्टेबल इनको पहनने में, ठीक है? आप लोग कम्फर्टेबल हो तो ही आप ऐसे कपड़े बनाना, अगर आप कम्फर्टेबल नहीं हो तो आप लोग ऐसे कपड़े मत बनाना. ओके, सो ये रहा इसका ब्लाउज. मतलब लग अच्छा रहा था, नॉट बुरा, बट होता है गांव की शादियों में लोग देखते हैं तो थोड़ा बहुत तो लोग का वो हो ही रहा था. और फिर मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि इस तरीके का कुछ पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए. और नेक्स्ट है इसका दुपट्टा. इसका दुपट्टा भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बट ये चुभ रहा था. और मतलब मैंने, मेरा ऐसा था ना, शादी के दिन का लुक उतना ज़्यादा इन्हेंस नहीं हुआ था बिकॉज मेरे जो इयररिंग्स होते हैं, मेरे दो इयररिंग्स थे, ठीक है? तो मतलब वो एक्सपेंसिव थे और ज्वेलरीज के अकॉर्डिंग वो एक्सपेंसिव थे. उसका नेकलेस भी काफ़ी ज़्यादा महंगा था. तो उसका एक इयररिंग आई थिंक दूल्हे की गाड़ी में या ऐसी कुछ मतलब खो गया था मेरा, ठीक है? तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था उसके बाद. तो इसीलिए मतलब उतना अच्छा नहीं रहा, बट आई वॉज लुकिंग गुड इनफ. तो मतलब मैंने मेकअप भी ज़्यादा एकदम होता है ना वो पुट्टी टाइप का नहीं किया था, बहुत ज़्यादा लाइट किया था. तो मैं प्यारी तो मैं हुई वैसे भी, तो प्यारी तो मैं लग रही थी. तो ये रहा उसका दुपट्टा. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लहंगे की तरफ, जो मैं आपको दिखाती हूँ खड़े हुए. ये रहा इसका लहंगा. लहंगे का वर्क आप लोग देख सकते हो. मतलब मुझे इस बार लाइट कलर का लहंगा पहनना था, क्योंकि मैं जब दीदी की शादी तब भी लाइट था, मतलब उसमें डार्क ब्लैक था, तो इस वजह से वो थोड़ा सा फिर भी डार्क हो ही जाता है. तो लहंगा कुछ इस तरीके का है मेरा. और ये मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग था, तो गाँव की शादी थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको थोड़ा सा कटवा दिया था. हील्स के साथ ही काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था. अभी मैं यहाँ पर इसका लुक दिखा दूँगी. शायद आई थिंक मेरे लहंगे की पूरी पूरी फ़ोटो होगी तो मैं लगाऊँगी उसको, नहीं होगी तो फिर एडजस्ट इट. ओके, सो मतलब ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ठीक है? सो या नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स प्राइस. तो प्राइस इसका था 3000 के अराउंड, 3000 से मतलब आई थिंक 3200 की ये लहंगा था. तो उन्होंने डिस्काउंट वगैरह किया इस पर. मैंने जो इसका लहंगा था वो मैंने 3000 के अराउंड लिया, और इसकी जो सिलाई थी वो 900 रुपीज़ पड़ी मुझे. सो 3900, ओके ठीक है, अच्छा है. बट जो मेरा दीदी की शादी के टाइम पे वाला लहंगा था वो इससे ज़्यादा महंगा था, बट ये भी अच्छा है, ये लग ज़्यादा प्रिटी रहा था. तो इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द लुक्स. ओके, लास्ट है रिसेप्शन का. और मैंने 4 प्रोग्राम ही अटेंड करे थे, जिसमें मैंने कुछ ट्रेडिशनल वगैरह वेयर किया था. बाकी जो कथा वगैरह होती है उसमें मैं नॉर्मल लोअर टी शर्ट में थी, और जो हमारे बच्चा पार्टी होती है उनके साथ ही लगी हुई थी. और गाइज मेरी रिंग्स वगैरह खो चुकी हैं, तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सूने सूने लग रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है. सो नेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा प्रिटी साड़ी. ये मतलब ये इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है मुझे, इतनी ज़्यादा मेरी वन ऑफ द फेवरेट साड़ी है अभी तक मेरे पास, ओनली यही साड़ी है एक, मतलब तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये साड़ी. सो कलर भी आप लोग इसका देख सकते हो, और जो इसकी लास्ट की पट्टी है इसके अकॉर्डिंग इसका ब्लाउज है. सो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. मैंने इसको आई थिंक एक या दो या तीन बार पहनी, पता नहीं कितने बार पहन लिया, मुझे याद भी नहीं है. और ये रहा इसका बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज. ये और ये साड़ी मैंने मतलब बहुत पहले बना ली थी, लाइक शादी से तो बहुत ज़्यादा पहले, तो मेरे को ये ढीली हो जाती है, कभी टाइट हो जाती है. सो ये रहा इसका ब्लाउज. तो अब इसकी बात करते हैं साड़ी की. तो साड़ी मुझे दी थी तनु ने बर्थडे गिफ्ट पे. तो ये साड़ी मतलब जब हम लोग मार्केट गए थे तो उसने बोला था कि बर्थडे के लिए तुम खुद कुछ अपने लिए सेलेक्ट कर लो. तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ. तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई थी. और उन दिनों मुझे मतलब साड़ी पहनने का इतना ज़्यादा पता नहीं क्या हो रहा था. सो ये साड़ी थी 3000 के अराउंड,
ये भी ऐसी 3500 ऐसी की थी, तो जो अंकल थे उन्होंने कम कम करके 3000 कुछ किए, 3000 की मुझे दे दी थी, ठीक है। तो फिर और इसका ब्लाउज की सिलाई थी 300 समथिंग, और टोटल मतलब 3-400 में हो गई थी साड़ी डन, और 3000 के अराउंड मुझे साड़ी पड़ी। सो या गाइस, जितने भी मैंने क्लोथ्स वगैरह अपने दादा की शादी में वेयर किए हुए थे, मैंने आप लोगों को सब कुछ दिखा दिया उसमें से। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत आइडिया मिला तो इट्स ग्रेट, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो या, मैं कुछ कहना चाह रही थी, हाँ, इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इफ यू आर ओल्ड वन देन लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। हाँ, अगर आप नए भी हो तब भी आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मतलब सो गाइज, आप लोग वीडियोज देखते हो, आप लोग लाइक नहीं करते, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। चलो जो स्टॉकर्स हैं उनका तो काम ही यही है, ठीक है, उनसे हम लोग नो नथिंग टू देम, बट जो लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज, क्योंकि मेरे 1K फैमिली से ज़्यादा हो चुके हैं अभी, तो मैं चाहती हूँ कि अब 1K में से मतलब 150 लाइक तो आ जाए। तो आजकल मतलब लाइक में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लाइक पता नहीं लोग कर क्यों नहीं रहे। सो गाइज प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। सो या, अगर आप लोग थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा क्या बोलते हैं उसको, हौसला बढ़ेगा, और आई विल मेक सम न्यू वीडियोज़ विथ न्यू एनर्जी। सो या, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग और वीडियो में। सो या, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने आपको जितनी भी मैंने चीज़ें, जितनी भी मैंने क्लोथ्स, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ,